डियर व्यूअर्स, मैं डार जहूर, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन पॉइंट। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया का हमारा टॉपिक है उसका तीसरा लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। डियर व्यूअर्स, जो पहले वाले दो लेक्चर हैं उनमें हमने जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वॉरेन हेस्टिंग्स, उससे लेके लॉर्ड मिंटो फर्स्ट तक डिस्कस किया था। डियर व्यूअर्स, आज इस टॉपिक में हम लॉर्ड मिंटो फर्स्ट से आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेट्स बिगिन, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर व्यूअर्स। तो जो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं उसका नाम होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। डियर व्यूअर्स, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1813 से लेके 1823 तक होता है। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, एंग्लो नेपाल वार होता है जो 1814 से लेके 1816 तक चलता है। तो इस वार को हम गोरखा वार भी कहते हैं क्योंकि जो 1767 से ऑनवर्ड्स जो नेपाल में गोरखास थे वो हिली एरियाज और वैलीज में एक्टिव थे, मतलब कि उनका रूल चल रहा था। बाद में जो ये गोरखास थे इन्होंने ब्रिटिश टेरिटरीज की तरह भी बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर हमला करती है और एंग्लो नेपाल वार शुरू होता है जिसमें गोरखास को हार मिलती है। तो उसके बाद क्या होता है डियर व्यूअर्स, ट्रीटी ऑफ सिगौली साइन होती है और जिस ट्रीटी ऑफ सिगौली की बदौलत जो ईस्ट इंडिया की रिलेशनशिप नेपाल के साथ थी वो डिस्कस की जाती है। तो ये जो गोरखा वार था या एंग्लो नेपाल वार था ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में होता है। डियर व्यूअर्स, इसके बाद इसके टाइम पीरियड में एक और वार होता है, थर्ड एंग्लो मराठा वार, जो डियर व्यूअर्स 1817 से लेके 1819 तक चलता है। तो इस वार में जो मराठा पावर था उसको ब्रिटिशर्स के हाथों शिकस्त मिलती है। डियर व्यूअर्स, और एक काम इस लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में होता है जो इसने एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप किया था, जो प्रेस थी उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था ये उसको डिसलाइक करता था और उसने कंपनी को भी ऑर्डर दिए थे कि जो आपकी पॉलिसीज है वो प्रेस तक हुदूद नहीं है, वो प्रोहिबिट है, रिस्ट्रिक्ट है। तो ये चाहता था कि जो प्रेस है वो फ्री रहे। तो उसके बाद जो पहला वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर पब्लिश होता है इंडिया में उसका नाम होता है समाचार दर्पण, जो 1818 में पब्लिश होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ वो बंगाल गैजेट है जो कि गंगा किशोर भट्टाचार्य ने पब्लिश किया था। तो डियर व्यूअर्स, ये सब चीज़ें जो थी ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में होती है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल आते हैं उसका नाम है लॉर्ड एमहर्स्ट। तो जो ये लॉर्ड एमहर्स्ट है उसका टाइम पीरियड 1823 से लेके 28 तक होता है। डियर व्यूअर्स, इसके जो टाइम पीरियड में होता है एंग्लो बर्मीज वार, जो 1824 से लेके 26 तक होता है। इसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो बर्मा पर अटैक करते हैं और बर्मा को इस वार में डिफीट मिलती है। और जो ये वार था ये 5th ऑफ मार्च 1824 को लॉन्च होता है। तो
तो इस वार में जब बर्मीज को डिफीट मिलती है तो फिर 1826 में ट्रीटी ऑफ यंदाबू साइन होती है, जो ब्रिटिशर्स और बर्मा के दरमियान साइन होती है। इस ट्रीटी के बाद क्या होता है, जो बर्माज थे उनको 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग वॉर इंडेमनिटी पे करनी पड़ती है, तो उनको ये रकम ब्रिटिशर्स को देनी पड़ती है। इस जंग से ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा मिलता है, जो असम स्टेट है उसको ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में करते हैं, और जो कि असम टी मैन्युफैक्चरर्स के लिए मशहूर था, तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर एक ज़रिया भी मिल जाता है, एक कमर्शियल पॉइंट बन जाता है ये ब्रिटिशर्स के लिए। तो ये जो था ये इसके टाइम पीरियड में होता है। इसके बाद इसके टाइम पीरियड में डियर व्यूअर्स और क्या होता है, जो बरकपुर म्यूटनी होती है 1824 में, ये भी इसी के टाइम पीरियड में होती है, क्योंकि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे उनके साथ ब्रिटिशर्स ने छेड़ा था, क्योंकि उनको बताया गया था इंडियन सोल्जर्स को कि आपको समंदर का सफ़र करके वार में शिरकत करनी है, लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी ये डिमांड्स थी कि हमें हमारी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए और हमारी हमारे लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसका इंतज़ाम किया जाए, जिस पर ब्रिटिशर्स राज़ी नहीं थे। तो इनके जब रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया, क्योंकि जो ये हिंदूज थे ये समंदर से सफ़र करना अपने रिलीजन्स रिलीजन के खिलाफ जानते थे, तो इसीलिए इनका जो लीडर था बिंदा, तो इन्होंने फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत शुरू की थी। तो बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इनको सप्रेस करने के लिए 200 सोल्जर्स को मार गिराया। तो डियर व्यूअर्स, ये जो बरकपुर की म्यूटनी थी ये इसी के टाइम पीरियड में होती है, लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पीरियड में। डियर व्यूअर्स, अब जो आगे का गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक है डियर व्यूअर्स, इसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम हो तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। डियर व्यूअर्स, जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक है इसका जो टाइम पीरियड है वो 1828 से लेके 1835 तक होता है। तो डियर व्यूअर्स, ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ये रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। तो डियर व्यूअर्स, इसने कुछ रिफॉर्म्स किए एजुकेशन में और रिलीजन में भी कुछ रिफॉर्म्स किए, तो इसको जाना जाता है एबॉलिशन ऑफ सती के लिए, जो इसने 1829 में कुछ रिफॉर्म्स तैयार करके इसको हटाया था, इसको एंड किया था जो ये सती की प्रैक्टिस थी। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये सती थी ये एक हिंदूज में एक प्रैक्टिस थी कि जो किसी औरत का जो शौहर मर जाता था उसको फिर उस औरत को भी उस शौहर के साथ जलाया जाता था, तो ये प्रैक्टिस कॉमन थी हिंदूज में। इसी सती प्रैक्टिस को एबॉलिश किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। डियर व्यूअर्स, पहले तो इसको इस पर जो काम किया था वो ब्राह्मो समाज के फाउंडर राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन उसके बाद इसको जो एंड किया वो विलियम बेंटिक ने किया। और एक काम इस विलियम बेंटिक ने किया, इलिमिनेशन ऑफ थगी या इलिमिनेशन ऑफ थग्स। तो जो ये थग्स थे ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में एक्टिव लोग थे, ये चोरी करते थे और बहुत सारे गलत कामों में मुबतला थे, लोगों को तंग करते थे, तो इनको सप्रेस करने के लिए इसने काम किया और बाद में इनको सप्रेस भी किया। तो ये काम इसने 1830 में किया। और एक काम इसके टाइम पीरियड में होता है, जो इंग्लिश है
उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। लेकिन हायर एजुकेशन में यहाँ पर यह बताया गया है कि जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश ज़बान में पढ़ाई जाए, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ मैकाउली। तो मैकाउली के बारे में हम आगे वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। डियर व्यूअर्स, उसके बाद और क्या काम होता है इसके टाइम पीरियड में? सप्रेस्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइस। जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था कि जो जिस माँ की कोई बेटी जन्म लेती थी उसको मार गिराया जाता था, उस पर इसने काम किया। तो ये सब कुछ लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में हुआ। डियर व्यूअर्स, इसके बाद क्या होता है? चार्टर एक्ट पास होता है 1833 में, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या किया गया, इस चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 20 साल के लिए और ग्रांट मिलती है कि आप 20 साल के लिए अपने रूल को और कंटिन्यू कर सकते हो। तो जो ये चार्टर एक्ट पास हुआ था, इसने जो विलियम बेंटिक है इसको पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। तो इससे पहले क्या होता था, जो बिफोर हिम द डिजाइग्नेशन वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उससे पहले जो गवर्नर जनरल का ओहदा था वो बंगाल तक महदूद था, लेकिन जो ये एक्ट साइन हुआ चार्टर एक्ट 1833 में, तो इसने जो विलियम बेंटिक है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। डियर व्यूअर्स, तो ये मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन शेयर की आज, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हेस्टिंग्स से लॉर्ड विलियम बेंटिक तक। आई होप डियर व्यूअर्स आपने समझा भी होगा और आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी भी लगी होगी। डियर व्यूअर्स, फिर से अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।